हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरोज थालोर और अभी मैं मिलवाने जा रही हूँ मेरी फ्रेंड से, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और जो काफी सालों से है। कितनी साल से निपल बन? 10 साल से ज्यादा ही हो गए। 10 साल हो गए हम दोनों को और भगवान करे हमारी दोस्ती ऐसी ही रहे। तो आप मिल सकते हो डिंपल से। क्या करवाना है डिंपल? हाय, मैं स्टेप कटिंग करवाने आई हूँ और हर बार मैं सरोज से ही करवाती हूँ। काफी अच्छी करती है और मुझे खुले बाल बहुत पसंद है और स्टेप में काफी अच्छी करती है। तो आज आप देखेंगे मेरी कटिंग कैसी करती है। तो इसके बाल देख सकते हो आप किस तरीके से इसके बाल हैं। बाल इसके बहुत अच्छे हैं, केयर करती है अच्छे से, तो बाल अच्छे हैं। और ये टीचर है स्कूल में, तो इसको बाल रखने हैं खुले। तो आज दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से खुले बालों में अपन स्टेप कटिंग कर सकते हैं और कितने अच्छे लगते हैं खुले बाल आराम से, जिसमें कोई ड्रायर करने की जरूरत नहीं है। जो वो वाली कटिंग करूंगी इसके। तो चलिए आ जाओ। मैंने स्टार्ट कर दी है मेरी कटिंग, जो देख रहे हो हमेशा की तरह। फिर भी मैं बीच में से ही पॉइंट निकालूंगी और उसी तरह से मैंने 3 इसे कर लिए हैं हेयर के। और उसी जो पहले कटिंग करती हूँ मेरी लगभग सेम कटिंग रहती है कि मैं कोई भी कटिंग करूँ पीछे से स्टार्ट करती हूँ, देन स्टेप कटिंग तो मैं पीछे से करती हूँ। और मैंने बहुत कोशिश की है कि बारीकी से आपको कटिंग दिखाने की, कि ताकि आप आराम से अपनी फ्रेंड वगैरह एक दूसरे के इजी वे में घर पे कर सकते हो। तो मैंने इसमें कोई मेरे हिसाब से हार्ड स्टेप नहीं दिया है, तो मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मेरी स्टेप दिख रही है। तो अभी जैसे मैंने पॉइंट मैं साथ साथ में बताती जा रही हूँ कि इस तरीके से पॉइंट बनाना है कटिंग का। तो ये देखो, मैंने बार बार मेंशन कर रही हूँ आपको कि हाँ इस तरीके से आपको। तो आप देख सकते हो कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फिर भी कितने अच्छे पॉइंट आ रहे हैं। मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया और ऊपर वाला है वही इसके 3 हिस्से करेंगे और फिर वही बीच में से अपन इसका पॉइंट देखेंगे कहाँ पॉइंट है, पॉइंट के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। और पॉइंट से कटिंग करने के बाद का जो हेयर है उनको दाएं और बाएं दोनों साइड ले जाके कटिंग करनी होती है। स्टेप कटिंग का हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही पॉइंट बनाने के बाद कटिंग आप करते हो हेयर की, तो दाएं और बाएं दोनों साइड ले जाके कटिंग करनी होती है। जिससे क्या है कि आप देख रहे हो मैं दाएं और बाएं दोनों साइड ले जाऊँगी, तो इससे क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कटिंग में, आराम से कटिंग कर सकते हैं अपन। मतलब ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है इसमें। तो ये वाली थी मेरी स्टेप कटिंग और आप इंजॉय कीजिए मेरी कटिंग का कि मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड है और इसको क्या है कि कटिंग मेरे से ही करवाना अच्छा लगता है, हमेशा से ये मेरे से ही करवाती रहती है। पार्लर का जितना काम है वो ज़्यादातर, ये ज़्यादातर नहीं पूरा मेरे से ही करवाती है ये। तो आप देख सकते हो कि मैं कम से कम पार्लर में सूट कर पाती हूँ, क्योंकि कस्टमरों को अच्छा नहीं लगता, सब लोग मतलब एक जैसे नहीं होते। तो इधर हमारे ज़्यादा ये यूट्यूब वाला नहीं है, तो सब ऐसे कहते हो नहीं, कोई कहती है मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, कोई कहती है मेरे भाई फादर। हाँ, अगर किसी को यार ज़रूरी नहीं है पसंद हो सबको, तो बीच बीच में बेटी हाथ लगा के देख रही है इसको बाल अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाती हूँ पार्लर का। और अगली और इधर ज़्यादा है कि स्टेप लेयर कटिंग चलती है, तो जैसे मेरे पास बॉब कटिंग आएगी
तो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट बॉब ज़रूर बनाऊंगी और आप इंजॉय करिए मेरी कटिंग को कि और मैंने कोशिश बहुत कोशिश की है कि आपको बारीकी से दिखाने की, तो आप देख सकते हो कि कितनी मैं आराम से कर रही हूँ। मैंने आप लोगों के लिए ये कोशिश की है कि हाँ मैं आराम से कटिंग करूं और इतनी स्पीड से भी नहीं करूं, तो आप आराम से इस कटिंग को देख पाओ। और ये अपने हेयर की केयर बहुत अच्छे से करती है, तो इसकी बाल भी बहुत अच्छे हैं, कटिंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा है इसके। और आप देख रहे हो लेयर किस तरीके से अच्छी आई है, आगे से मैंने लेयर दी है इसके, तो कितनी सुंदर प्यारी कटिंग आ रखी है। हो गई है कटिंग, जो देख रहे हो कितनी प्यारी कितनी सुंदर कटिंग हुई है इसकी, और स्टेप तो गजब की आ रही है, बहुत सुंदर आ रही है इसकी। एकदम पता नहीं चल रहा कि कौन सी स्टेप है, कितनी स्टेप दी है, जो इसको बहुत पसंद आई है। और ये देख सकते हो आप, बहुत प्यारी बहुत सुंदर कटिंग है।